अब्दुल कलाम रोड पर है इसराइल का ये दूतावास, जहां से थोड़ी ही दूर पर जब बिल्कुल उसके सामने ये धमाका हुआ है, 5 अब्दुल कलाम रोड जिंदल हाउस पर ये धमाका हुआ है। हमारे संवाददाता भी स्पॉट पर मौजूद हैं। जितेंद्र, तो देखिए बम स्क्वाड NSG की टीम ये बता रहा है कि मामला इतना छोटा भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस का जो मैसेज आया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इंटेंसिटी इम्प्रोवाइज डिवाइस वेंट ऑफ एट 5:05 PM। एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। ब्लास्ट पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है, 5:05 PM पर हुआ धमाका, ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और ब्लास्ट में कोई घायल नहीं, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। तो 5:05 PM पर यह धमाका हुआ, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है इस धमाके में, 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, यह दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है और कहा है कि धमाके के पीछे शरारती तत्व होने का शक है, यह भी कहा है। तो लेकिन तब भी अगर कोई शरारती तत्व इस सुपर VIP एरिया में इस तरह की हरकत कर सकता है तो यह भी एक बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है हाई सिक्योरिटी जोन है और अगर ऐसी जगह कोई आकर कोई शरारती तत्व आकर ऐसी हरकत करता है तो जाहिर सी बात है सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो लिहाजा अब दिल्ली पुलिस कोई कोताही अपनी जांच में नहीं बरतना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तमाम देशों की एम्बेसियाँ यहाँ पर स्थित हैं, तमाम देशों की, चाहे इसराइल एम्बेसी हो, इसके अलावा जिंदल हाउस यहाँ पर है, तमाम VVIP यहाँ रहते हैं। तो लिहाजा हाई सिक्योरिटी जोन के चलते दिल्ली पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई में कोई भी चूक बाकी नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा IB की टीम मौके पर मौजूद है, NSG को बुलाया जा रहा है, इस फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और जानने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार कहीं इस धमाके के अंदर किसी तरीके का IED या कोई एक्सप्लोसिव तो इस्तेमाल नहीं हुआ था। वजह क्या थी धमाके की, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी और जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना फिलहाल गौरव यहाँ भी मुश्किल होगा और सही भी नहीं होगा। ये जो हम भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, जितेंद्र, जो हम यहाँ पर लोग देख रहे हैं, ये लोग कौन है जरा बताइए, जो इस वक्त वहाँ पर आपके तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे लेकिन कैमरा पहुँच पा रहा है वहाँ तक, और वहाँ पर हम देख रहे हैं फॉरेंसिक टीम जांच में काम में जुट गई है, शायद वहाँ अब उस जगह जहाँ ब्लास्ट हुआ है, आप तस्वीर देखिए, फुल दिखाइए, वो तस्वीर फुल दिखाइए, फॉरेंसिक टीम जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वहाँ से नमूने इकट्ठा कर रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। जितेंद्र, अपने कैमरा सहयोगी से कहिए वो तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा वो फॉरेंसिक टीम जगह से नमूने लेते हुए, देखिए अभी भी वहाँ पर आपको फॉरेंसिक टीम दिख रही है, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है उस जगह की जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर उसको उस जगह को घेर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, नमूने इकट्ठा किए जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, देखिए 30 जनवरी दिन भर।